हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो। नाला रोड हम लोग आए थे और नाला रोड में दिखा एक इंटरेस्टिंग सा चीज़, सोचे कि रुक के आप लोगों को दिखाएं, रुक के आप लोगों को बताएं, क्योंकि थोड़ा नया सा चीज़ है पटना में, थोड़ा सा अनकॉमन सा चीज़ है, हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है, और वो चीज़ है हॉट डॉग। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं एक हॉट डॉग के कार्ट को। बिल्कुल सामने देखिए, वो भैया है कार्ट पे खड़े हैं हॉट डॉग लेके, और चलते हैं उनसे बात वगैरह करते हैं। थोड़ा देसी स्टाइल का हॉट डॉग मिलने वाला है, बट लोकेशन आपको बता नहीं रहे क्योंकि लोकेशन कोई इनका फिक्स है नहीं, लोकेशन वेरिएबल है, वो चेंज होते रहता है। तो वही बताएंगे आपको लोकेशन की कहाँ है, कहाँ कहाँ कब कब रहते हैं, चलते हैं उनके पास। भैया क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल। हीरालाल, अच्छा। और क्या क्या मिलता है यहाँ? यहाँ हॉट डॉग बर्गर मिलता है। बर्गर तो दिख नहीं रहा है अभी, ये हॉट डॉग बर्गर यही है। अच्छा, इसी का नाम है हॉट डॉग बर्गर जी। अच्छा अच्छा, तो यही देखिए यही है हॉट डॉग बर्गर। और कुछ नया सा चीज़ है पटना में, कहाँ कहाँ मिलता है ये? ये तो सगलो मिलता है सर, हर जगह मिलता है। कहाँ कहाँ, जैसे घूम के बेचते हैं ना हम लोग। अच्छा, आप लोग घूम के बेचते हैं इसलिए कह रहे हैं हर जगह मिलता है। ऐसा ऐसा ठेला कितना है पटना? ठेला ऐसा दो है जी सर, दोनों आप ही का है जी। और भी कोई बेचता है? जी भाई मेरा बेचता है। नहीं नहीं, मतलब आप लोग के अलावा और भी कोई पटना में बेचता है? कोई नहीं बेचता। नहीं बेचता, क्योंकि थोड़ा अनकॉमन चीज़ है, हम बहुत जगह देखे नहीं इस तरह से बिकते हुए। और ये आपका सेटअप भी बड़ा यूनिक सा लग रहा है, ये पूरा ठेला क्या, मतलब इसी के लिए तवा के लिए ही बना है जी? इसी के लिए। अंदर में क्या रखे हुए हैं? अंदर में सर यही सामान है, सिलेंडर है, गैस है। अच्छा, ये पूरा सेटअप बनाए हुए अंदर में, सिलेंडर विलेंडर रख के। और ये जो है ये घर से बना के लाते हैं? जी घर से बना के। तो यही देखिए, ये घर से बना के लाते हैं। और कितने बजे निकलते हैं बेचने? निकलते हैं 2:30 से 3 बजे सर। 2:30 से 3 बजे। और क्या क्या इसके अंदर भरा हुआ है? इसके अंदर तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ में क्या क्या? बंदा मिर्चा आदि लहसुन मसाला में सब भूंज के बंदा आलू के अंदर सब कुछ को भूंजते हैं, पहले आलू को भूंजते हैं मसाला डाल के। बंदा मिर्चा आदि, प्याज लहसुन, गरम मसाला, धनिया मिर्चा, हल्दी पाउडर सब तीनों डाल के, 1 किलो रिफाइंड डाल के कढ़ाई में डाल के, अच्छा भूंज के निकाल लिया। उसके बाद कढ़ाई में आलू डालें, फिर इसके बाद तब मसाला भून के निकालते हैं, और बीच में पनीर भी डालते हैं। हाँ, बीच में पनीर भी डालते हैं। पनीर भी डालते हैं जी। ऐसा से कितना पीस बनाते हैं एक दिन में? एक दिन में 250 पीस बनाते हैं। 250 पीस एक ठेला के लिए? नहीं, दो ठेला के लिए। दो ठेला के लिए 250 पीस। और रेट क्या रखे हुए हैं? रेट 15-20 है सर। 15 रुपये और 20 रुपये, क्या अंतर हुआ दोनों में? इसमें बटर से है, रिफाइंड से है। अच्छा अच्छा, बटर वाला हो गया 20 का और रिफाइंड वाला हो गया 15 का। तो एक जरा बढ़िया से बना के खिलाइए, टेस्ट देखा जाए। देख के तो काफ़ी सही लग रहा है, टेस्ट किया जाए, टेस्ट बताते हैं कैसा है। कितना, कितने बजे सुबह में निकलते हैं बेचने? 2:30 से 3 बजे सर। अच्छा, दिन में 2:30 बजे जी। और कितने बजे तक बेचते हैं? 8 से 8:30 बजे तक खत्म हो जाता है। 8:30 बजे तक 250 पीस, मतलब 8:30 बजे तक खत्म। हाँ। अभी सुबह से कितना पीस खत्म हुआ? अभी हो गया कम से कम 70-80 पीस। 70-80, बहुत बढ़िया, फिर तो मतलब अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं इसका मतलब है जी। तो ये एक ऑर्डर आया है रिफाइंड वाला, सबसे पहले बनाया जा रहा है, इस तरह से रिफाइंड डाला गया और रिफाइंड में सेक रहे हैं। तो 15-20 में बस अंतर यही होता है कि रिफाइंड यूज़ कर लिया उसमें बटर, और कुछ अंतर नहीं। छोटा बड़ा भी रहता है। अच्छा, छोटा बड़ा भी रहता है। ये कौन सा, 15 वाला है? 20 वाला का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा जी। अच्छा अच्छा, तो किसी को खाना होगा तो कहाँ आएगा, कैसे मिलेगा आपसे? ऐसे सर हम लोग घूम के बेचते हैं, जैसे 1 घंटा इस चौराहा पे, 1 घंटा उस चौराहा पे, बाकरगंज मार्केट है ना, हतवा मार्केट है, वहीं कहीं भी आप। हतवा मार्केट में क्या टाइमिंग है आपका? वहाँ टाइम है सर करीब से करीब 5 से 8 बजे रात तक। अच्छा, शाम के 5 से 8 बजे तक आप हतवा मार्केट में रहते हैं, दिन में नाला रोड में जी। अभी नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं? अभी इधर हतवा मार्केट जाएंगे। हतवा मार्केट यहाँ से चला जाना है जी। अच्छा, तो अभी शाम का 4:30 बज रहा होगा, अभी फ़िलहाल ये नाला रोड में है। और सामने ये इधर आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है, और नाला रोड में मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल ही सामने इनका कार्ट है। तो ये रिफाइंड वाला रेडी हो गया जी। तो इतना रिफाइंड डालते हैं एक के लिए जी। सेकना चाहिए बराबर ताकि अच्छा बने, ताकि सब लोग सेकने का टेस्टी है सर। सारा टेस्ट मतलब सेकाने का ही है। सेकाने पर ज्यादा अच्छा है, कुरकुर सेकेगा ना तब खाने में अच्छा रहेगा। अच्छा, ब्रेड कोई भी चीज है सेकने पर टेस्ट, मतलब 15 रुपए के हिसाब से तो काफी सस्ता कहलाया जो आप साइज दे रहे हैं, और जितने अच्छे से बना के सेक के पनीर उनीर सब दे रहे हैं। तो दो तरह का चटनी होता है जी। ये मीठा सॉस है, ये तीखा सॉस है, धनिया मिर्चाई और टमाटर। नेक्स्ट बन रहा है बटर वाला। अच्छा, सुधा का बटर यूज़ हो रहा है।
सबसे पहले थोड़ा सा बटर डाला गया, अब नेक्स्ट इसके ऊपर हॉट डॉग डाला जाएगा। ये करते क्या है, ये ब्रेड के बीच में से मतलब थोड़ा सा उसको कट लगा के और अंदर में भर देते हैं जी, ब्रेड पूरा फाड़ा जाता है। ये ब्रेड आप लोग स्पेशल बनवाते हैं इसी के लिए? स्पेशल इसी के लिए बना। कितने दिन से इसको बेच रहे हैं? हो गया 5 साल तक से। 5 साल से। इसको आइडिया कहाँ से आया, कहाँ आप ये चीज़ देखे? ये दिल्ली का फेमस है सर। दिल्ली का? आप दिल्ली में रह चुके हैं? दिल्ली में 5-6 साल। 5-6 साल रहे, इसी चीज़ को बेचे हैं जी। दूसरा काम करते थे ना, तब उस समय हम 1500 रुपये महीना और 10 रुपये खर्चा मिलता था, तब से हम ये काम करते हैं। 1500 रुपये महीना और 10 रुपये खर्चा डेली का जी, मतलब 1500 और 300 1800 रुपये महीना का टोटल मिलता था जी। टोटल मिलता, यही चीज़ बेचते थे दिल्ली में? चीज़ बेचते थे, करीब 300 पीस पूरा दिन में निकलते थे। 300 पीस जब वहीं से सीख के अब आके पटना में अपना स्टार्ट किया आप? चलिए अब तो बहुत कमा ले रहे होंगे, जैसा बता रहे हैं 250 पीस बिक रहा है, अब तो जितना दिल्ली में बिकता मिलता होगा उसका 10 गुना कमा ले रहे होंगे। उतना तो नहीं, लेकिन दिल्ली दिल्ली है सर, यहाँ तो दिल्ली में यहाँ बहुत दिल्ली है, पटना भी पटना है, पटना में रह रहे हैं आराम से अपना बेच रहे हैं, कोई कम है मामले में सर? वहाँ से हम बहुत बड़ा अंतर है, वहाँ सेल ज़्यादा होता था, वहाँ बहुत बोल रहे हैं 300 पीस एक ठेला पर निकलता है। अच्छा, अभी 2 ठेला मिला के 250 पीस निकल रहा है? 2 ठेला पर निकलता है तो, ताकि वहाँ जितना यहाँ मार्केटिंग में सेल है वहाँ सर खाली कॉलोनी में उतना सेल है। ऐसा कहे मतलब वहाँ के लोग खाते ज़्यादा हैं क्या? अब वो देखिए कंपनी इलाका है, पैसा वाला एरिया है। अच्छा, 10-20 रुपये कोई वैल्यू नहीं समझता है। वहाँ भी रेट यही था जी? वहाँ तो और कम रेट था कि यही रेट था? नहीं यही रेट था, 20 रुपये उस समय का सर, तो उस समय 5-10 रुपये जब हम 1500 महीना में था ना तो 5 रुपये था। 1500 महीना में लेकिन काम कर रहे थे? नहीं, 1800 रुपये महीना में जी, ज़्यादा ही कम हो गया। उस समय खाली 5 रुपये इसका दाम था। ये हमारा रेडी हो चुका है हॉट डॉग, और अब एक मीठा वाला हाँ दोनों दीजिए। अब करते हैं टेस्टिंग और बताते हैं टेस्ट। हमारा गर्मा गर्म हॉट डॉग आ चुका, और क्या सही क्वांटिटी है 20 रुपये के हिसाब से। ये जो आजकल पटना में चला हुआ है वो रिफाइंड में लोग फ्राई करके बर्गर बिकता है, उससे फार बेटर लग रहा है। ये प्रॉपर पनीर वनीर डाल के दिया गया है, अब टेस्टिंग किया जाए। टेस्ट बहुत ही बढ़िया, और जो क्वांटिटी है ये 2 समोसे के बराबर है। ब्रेड जो है अच्छे से सेके हैं, टाइम दे के दबा दबा के सेका गया है, क्रिस्पी सा ब्रेड हो गया है। आलू अंदर का मसालेदार, बहुत कुछ नहीं डाला गया, हल्का फुल्का ही मसाला है, लेकिन जो भी है अच्छे से क्वांटिटी में है, स्पाइसी है। साथ में मीठा वाला चटनी भी मिला है, तो अगर ज़्यादा तीखा लग रहा है चटनी लगा के खाइए। ओवरऑल टेस्ट बहुत सही लगा, टेस्ट बहुत सही लगा, बनाने का तरीका भी सही लगा। जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अच्छे से बटर वटर में लगा के दे रहे हैं, टोटली पैसा वसूल, वैल्यू फॉर मनी। अगर आप कभी इस तरह से पटना में खाए हैं हॉट डॉग तो कमेंट करके बताइए। नया सा चीज़ लगा, वैसे 1-2 बार पहले देख रखे हैं, कभी रुक के खाए नहीं थे, आज खाएँ और शाम के नाश्ते के लिए 15-20 रुपये में परफेक्ट। ख़त्म करते हैं वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।